हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान है। मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ आज फ़ोन को कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, मान के एक मिनी कंप्यूटर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, कोई सा भी चलेगा फ़ोन, और आपके पास एक OTG होना चाहिए, और आपके पास एक USB हब होना चाहिए, और एक माउस और एक कीबोर्ड होना चाहिए। जो आपको OTG मिल जाएगा मार्केट से आपको 40 से 50 रुपये मिल जाएगा, USB आपको हब मिल जाएगा 100 रुपये तक का, और माउस मिल जाएगा आपको 200-300 रुपये तक का, और कीबोर्ड मिल जाएगा 400 से 500 तक का मिल जाएगा आपको। आप इतने ही जो टूल्स हैं इतने ही में एक कंप्यूटर बना सकते हैं, एक छोटा सा कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। जो आपको शौक हो चलाने का तो आप इसे कर सकते हो तैयार। तो फ़ोन में आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टोपस और Win7। तो ऑक्टोपस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, इसलिए यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है, और Win7 आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो मैंने ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है कनेक्ट OTG, जो मैं ऐसे यहाँ लगा देता हूँ। बहुत से फ़ोनों में OTG कनेक्ट नहीं होता, तो आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा OTG कनेक्ट करने के। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, एक USB लगा के दिखा रहा हूँ टेस्ट करके। मैंने एक USB लगा दिया 16 GB का सैंडिस्क का। तो आप सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल में। आप देख सकते हैं ये रहा एडिशनल, इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो OTG कनेक्शन लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। उस पर फाइल पर आ गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर OTG लिख के आ गया, जो 15.7 GB का RES, जो मेरी पेन ड्राइव है वो 16 GB की, इसलिए 15.7 GB दिखा रहा है। तो देख सकते हैं आप मेरे ये पेन ड्राइव आ चुकी है और फाइल भी दिख रही है। तो ये कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं। आपको अबाउट पे जाना है, अबाउट पे जाने के बाद आपको जाना है बिल्ड नंबर पे, ये देख सकते हैं ऐसा होगा। आपको इस पर 3 बार टैप करना है, इससे आपका डेवलपर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पैटर्न मांगेगा तो मैंने डाल दिया, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा फ़ोन की सेटिंग में, फिलहाल में मेरा एडिशनल में, तो मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है डेवलपर ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा USB डबिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे क्लिक कर दोगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये दो मेथड है जिससे आपका USB कनेक्ट होता है। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे कंप्यूटर चलाएं, दिखाता हूँ आपको। मैंने आप देख सकते हैं मैंने ये अपना USB हब कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे माउस में लाइट आ गई है और कीबोर्ड में भी लाइट आ गई है, आप देख सकते होंगे लाइट यहाँ ऑन पे पर शो लेना कर है। रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा है एप्लीकेशन, इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको अलाउ करना है ऑक्टोपस को, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे माई जो गेम है इस पर ऐड करना है। यहाँ पे आ रहा है वो एप्लीकेशन Win7 Sim, ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसको आपको ओपन करना है, यहाँ पे स्किप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया हमारा Windows 7, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है लिख के। अब इस पर आपको इस पर टैप करना है, जो मैं माउस का कोडिंग कर रहा हूँ आप देख सकते होंगे इसका साइन आ रहा है जो, और आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर में आता है वैसे ही आ रहा है। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होता, थोड़ा मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही कंप्यूटर में ही होता है वैसे ही आ रहा है ये। आप कर्सर भी देख सकते हैं, मैं इसे आप ओपन करके दिखा देता हूँ एक फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। आप जैसे देखते हैं यहाँ पे आप कैलकुलेटर आ रहा है, क्रोम आ रहा है, कमांड आ रहा है, जैसे कि रहता है कंप्यूटर में कमांड है वैसे आ रहा है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे काट दिया। इसके बाद आपको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट पैड आ रहा होगा, आप यहाँ पे अपने टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड का कोडिंग कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा बैक साइड पे वो आ रहा है, शो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा टैप करके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड भी काम कर रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा एक कंप्यूटर की ही तरह पूरा दिखा रहा होगा आपको, यहाँ से अपना सेम वैसे ही टाइम आ रहा है जैसा उसमें आता है कंप्यूटर में, आप वैसे सेट कर सकते हैं। आपको अगर इसे लॉन्चर को बैक करना है तो आपके यहाँ पे सेट डाउन लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेट डाउन हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।